आज हम बात करेंगे क्लास टेंथ के सिलेबस के बारे में, जो कि बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए 30% कम किया गया है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड RBSE के द्वारा। तो आप देख सकते हैं क्लास टेंथ इंग्लिश जो सब्जेक्ट है उसमें ग्रामर 15 मार्क्स की आती है। कौन कौन से टॉपिक हैं यहाँ पे मैंने लिखे हैं इनको, टेंथ जो है 4 मार्क्स का, रिपोर्टेड स्पीच 2 मार्क्स, कंजेक्शन 3 मार्क्स, रिलेटिव प्रोनाउन 2 मार्क्स, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस 2 मार्क्स, और इसी तरीके से ग्रामिंग क्वेश्चन एंड क्वेश्चन टैग 2 मार्क्स के। तो ये 15 नंबर की जो है ग्रामर के आपके टॉपिक सारे यहाँ पे मैंने नोट किए हैं, आप इनको अच्छे से तैयार करें। 15 नंबर की आपके ग्रामर कोर्स में है। इसके बाद देखिए रीडिंग जो है, रीडिंग 15 मार्क्स की है, यानी इसमें से 2 पैसेज आएंगे। पहला पैसेज 6 नंबर का आएगा क्वेश्चन नंबर 1, दूसरा पैसेज 9 नंबर का आएगा क्वेश्चन नंबर 2, यानी सिर्फ 2 पैसेज जो है आपके 15 नंबर के हैं। तो पैसेज जो है आप अच्छे से तैयार करें, क्योंकि 15 मार्क्स तो 2 पैसेज के ही आपके बोर्ड के एग्जाम में आने वाले हैं। फिर देखें आपकी जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट 25 मार्क्स की है, यानी इसमें से क्वेश्चन जो आएंगे फर्स्ट फ्लाइट में से 25 मार्क्स के जो है पूरी किताब बुक जो है। फिर देखें फुटप्रिंट्स विदाउट फीट टोटल 13 नंबर की है, ये दो बुक के हो गए आपके 25 और 13 नंबर। फिर देखें लेटर या ईमेल में से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, आपको अच्छे से तैयार करना है। स्टोरी 4 नंबर की आती है, वो भी आपको अच्छे से तैयार करनी है। कुछ इंपॉर्टेंट स्टोरीज मैं आपको बता दूंगा। फिर देखिए पैराग्राफ भी है 4 नंबर का, ये भी आपको अच्छे से तैयार करना है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो इस प्रकार टोटल 80 नंबर के 50 क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में आने वाले हैं। इसमें समय को आधा घंटा कम किया गया है, 3.25 घंटे का पेपर होता है जिसमें से हाफ आवर कम किए गए हैं, 2 घंटे 45 मिनट का पेपर होगा। टोटल 80 नंबर का 50 क्वेश्चन इसमें से आएंगे, और सारा कुछ आपके सामने मैंने अच्छे से इसको लिख के समझाने की कोशिश की है। तो ये सभी टॉपिक आप जो है अच्छे से तैयार करें, और इसी के अकॉर्डिंग आप जो है अपने बोर्ड की तैयारी को आगे कर सकते हैं। इसी तरीके से आप दूसरे सिलेबस वगैरह के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और भी मैथ्स वगैरह के भी काफी इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ। थैंक